आज हम आपको एक मार्ग की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा को जोड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार विकास करने की बात तो करती है, लेकिन झूठे बोल वचन के आगे जनता की मुसीबत बढ़ती जा रही है। शिवराज सिंह चौहान अपने प्रदेश की जनता से इतना लगाव रखते हैं कि जनता को लाभ देने की बात ही करते रहते हैं, फिर खुद शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा को जोड़ने वाला मार्ग ही खंडार व्यवस्था में क्यों है? जी हाँ, हम तस्वीर बताने जा रहे हैं देवास जिले के सीहोर जिले की, जो जोड़ती है देवास जिले के खातेगांव विधानसभा के ग्राम पिपलेनेरिया और सीहोर जिले के ग्राम छिपानेर के मध्य काकेट नदी है, जो अपनी बदहालता पर आंसू बहा रही है। ऐसी स्थिति 40 वर्षों से है, जिसमें लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पार से उस पार जाने के लिए नाव रस्सी के सहारे मौत का सफर तय करते हुए गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं। इस नदी पर पुल पुलिया का निर्माण होता है तो 3 दर्जन से अधिक गांव के लोग राजधानी भोपाल से सीधे जुड़ जाएंगे। इस मामले को पूर्व में मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था जो जिम्मेदारों तक खबर पहुंचाई थी, जिसके बाद जानकारी के अनुसार जनवरी 2022 में 5 करोड़ की अधिक राशि का काकेड़ नदी के लिए स्वीकृत हुई है, लेकिन टेंडर का अता पता नहीं है। वही मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाया है और बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास, ग्रामीण सड़कें बनाने में पूरी तरह असफल रही है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। सभी को हमने अवगत भी कराया, अभी तक कोई पुल का कार्यक्रम चालू हुआ नहीं है। आने जाने में पब्लिक को बहुत परेशानी होने हो रही है। इसके बाद यहाँ से नेवाबर तक के लोग आना जाना लगा रहता है, अभी तक पुल का कोई कार्यक्रम चालू हुआ नहीं। बताया जाता है कि सीएम का क्षेत्र है उसोर। सीएम साहब को भी हमने एक बार जब छिपने आए थे, जब हमने यहाँ तक लाए थे, तो सीएम साहब ने भी बोल गए थे, बोले हाँ बन जाएगा। विधायक जी भी आए थे, उनने भी बस यही बोला है कि बन जाएगा। कितने यात्री यहाँ से, अगर ये इस पे पुल पुलिया का निर्माण होता है, कितने गांव के लोग यहाँ से जुड़ सकेंगे? यहाँ कम से कम 40 से 45 गांव के लोग आना जाना करते हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी तो नाला फूट चुका है। नदी 2-4 बार की पूर निकल गई है, तो जो कच्चा रास्ता बना था मतलब वो फूट चुका है। अगर इस समय कोई इमरजेंसी कार्य आता है तो फिर उसके लिए निकलने के लिए क्या सुविधाएं हैं? अभी हाल फिलहाल में नाव की पोजीशन, वो नाव लगा रखी है पोजीशन के हिसाब से। क्या नाम है आपका? रामदेव पवार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।